Good evening, dear participants. Our resource person is facing some issues, so she will be here within 5 to 7 minutes. So I request everyone to keep patience. We will start our training after 5 minutes. Sorry for inconvenience.
Yes, I can understand, sir. But please wait. Please wait. Ma'am is connecting. Very soon we will start our training. Please wait, sir. I request everyone to be here. Ma'am will be here very shortly. Sanjay sir, actually resource person is not connected here. That's why we are not saying anything. Open sir, because resource person is facing some issues. Please keep patience. Okay sir, thank you. Very soon ma'am will be here. Good evening, ma'am. Mitali, ma'am, good evening.
मिताली मैम, ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी आई एम लेट। नो इश्यूज बट मैम। आई गॉट स्टक इन अ वेरी बैड जैम। सो गुड इवनिंग डियर पार्टिसिपेंट्स, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन द 31st ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम मेंबर्स ऑफ आईवत्स महोदया। वी हैव आवर रिसोर्स पर्सन मिताली मुखर्जी मैम। दे वेर आस्किंग कि व्हाई वी हैव नॉट स्टार्टेड द ट्रेनिंग। सो मैम इज हियर नाउ। कंप्लीटली माय फॉल्ट, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। एवरीथिंग इज नॉट इन आवर हैंड। सो आई थिंक एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट 31st ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ टीचर्स। इज इट राइट मैम? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर टीचर्स। राइट, वेरी करेक्ट एंड हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड दुर्गा ब्लेस अस ऑल। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी 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 फॉर बींग लेट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस क्विकली डाइव इन टू द टॉपिक। सिंपल मैम हैज ब्यूटिफुली इंट्रोड्यूस्ड इट दैट टुडे आवर टॉपिक इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इफ आई से आई डोंट थिंक आई विल बी रॉन्ग इफ आई से दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी। Whether you are a homemaker, you are working somewhere, any post you are working, you need to have good communication skills. Otherwise, there is complete confusion, boredom, garbar, results are not okay. You will be in trouble. So many things will happen. So, as a teacher, having effective communication skills is all the more important because teachers, you know, you are transmitting knowledge all the time. You're transmitting skills, you're transmitting attitudinal issues. So, you know, if there is loss of transmission, jaise hota na ek jagah production itna hua lekin pahuncha kuch aur kuch kam, beech mein ghotala ho gaya, वैसे ही कम्युनिकेशन में होता है कि आप जो भी बोलना चाहते हैं अगर वो चीज आप एज इट इज वहां तक नहीं पहुंचा पाए जहां आपको पहुंचाना है और बीच में ये आधी चीजें गायब हो जाए, ट्रांसमिशन लॉस हो जाए, तो इससे यू नो आपकी टीचिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो आई वुड वेरी राइटली से इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। यहाँ देखिए मैंने स्लाइड लगाया कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। आप देख रहे होंगे बहुत बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें। कम्युनिकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन पास करना, प्रोसेस है, ट्रांसमिशन है, लैंग्वेज है, सेंडर है, रिसीवर है, पर्सन है, वर्ड्स है। इट इंक्लूड्स सो मेनी थिंग्स। ये जितनी भी वर्ड्स हैं ये शायद काफी नहीं है ये समझाने के लिए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम एक अच्छे कम्युनिकेटर कैसे हो सकते हैं। How can we become a good, good, good communicator? Okay, so for that, let us try to understand this. Okay, मैं एक बस सिर्फ ये देख रही हूँ, am I audible properly? Am I audible? Yes, ma'am. Yes. मैं आपको yes, कुछ स्लाइड्स दिखा रही हूँ, ठीक? इनमें से शायद कुछ तस्वीरें तो आप जरूर पहचानेंगे। जरा बताइए ये कौन है? Anyone? Anyone through the chat box, can you tell me who is this great, great person? Anyone? Yes, Sweksha ji, absolutely correct. He is none other than Adolf Hitler. अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। Who is this person? Who is this person? Anyone? Anyone? Anyone can tell me who is this person? Anyone who has been able to identify? Anyone who has been able to identify who is this person? Yes, anyone? No one has identified who is this person. Somebody has written US president.
चलिए जरा स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाफट इस तस्वीर की, और मुझे ये बताइए कि आदमी है कौन। ये मैं नहीं बताऊंगी, स्पून फीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है? ये सेशन के अंत में बताऊंगी ये कौन है। चलिए, ये कौन है? एनीवन हु नोज दिस? यस, वेरी गुड, वेरी करेक्ट, जॉन एफ कैनेडी जूनियर ही इज। हु इज दिस पर्सन? ये तो सबको ही बता देंगे क्योंकि ये बहुत लूथर के, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर्स। द प्रीवियस वन वाज मार्टिन लूथर। उसके बाद ये कौन है? ये कौन है? हु इज दिस पर्सन? ही इज वेरी, यस एब्सोल्युटली नेहा जी करेक्ट, ही इज नन अदर देन विंस्टन चर्चिल। और ये कौन है? ये लास्ट पिक्चर है, वरना आप सोचेंगे आज के सेशन में मैम सब पिक्चर ही दिखा रही। नहीं, ये दिस इज द लास्ट वन। हु इज शी? चार्ली चैप्लिन? नहीं, ही वाज नॉट चार्ली चैप्लिन, ही वाज विंस्टन चर्चिल। शी इज नन अदर बट सुषमा स्वराज। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको ये तस्वीरें क्यों दिखाई? ये लोग सब कुछ, कोई लीडर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई डिक्टेटर है, कोई बहुत बहुत टाइप के लोग हैं, लेकिन इन सारे लोगों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? कोई कोई बता सकता है? व्हाट इज कॉमन अमंग्स ऑल ऑफ देम, ऑल द पिक्स दैट यू हैव सीन राइट नाउ, वेदर इट्स सुषमा स्वराज, विंस्टन चर्चिल, मार्टिन लूथर, एंड देन जॉन एफ कैनेडी एंड एडॉल्फ हिटलर, ये सारे, वेरी गुड अभिजीत जी, वेल कनेक्टेड, दे आर ऑल ग्रेट स्पीकर्स, ग्रेट ओरेटर्स। आज का हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन पे है, इससे जिनकी भी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आदमी कैसे भी हो, लेकिन अगर इनकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो इनको ग्रेट ही कहेंगे। लीडर्स तो वो हैं, लेकिन अगर हम आज के टॉपिक के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा दे आर ऑल ऑल ग्रेट कम्युनिकेटर्स। रादर कम्युनिकेशन में एक पार्ट से ही हम इनके वाकिफ हैं, वो ये कि दे आर ऑल ग्रेट ओरेटर्स, वो बोलते बहुत अच्छा थे। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन होती क्या चीज है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। ओके, नाउ कम्युनिकेशन एक्चुअली इस वर्ड का मतलब है कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर का मतलब है टू शेयर, शेयर करना। ओके, शेयर करना है कम्युनिकेशन। ओके, सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है वेयर देयर इज शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ व्हाट? शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ डायलॉग, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। सो दिस कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज कम्युनिकेट। नाउ जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे तो हम शेयरिंग करेंगे, तो जब हम शेयरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने आप से तो नहीं शेयर करेंगे, हम किसी और से शेयर करेंगे। यानी कम्युनिकेशन जब भी होगा तो एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। देयर हैज टू बी अ सेंडर एंड देयर हैज टू बी अ रिसीवर। तो सेंडर कौन है? जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, चालू करता है कम्युनिकेशन, वो है सेंडर। और रिसीवर का कौन है? जो कम्युनिकेशन का एक्सेप्ट करता है, जिसके पास हम कम्युनिकेशन को पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं रिसीवर। सो एवरी कम्युनिकेशन हैज अ सेंडर एंड अ रिसीवर। सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू शेयर, एंड व्हेनेवर वी आर कम्युनिकेटिंग देयर इज वन सेंडर एंड वन रिसीवर, समबडी हु इनिशिएट्स कम्युनिकेशन एंड समबडी हु रिसीव्स अ मैसेज। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। कम्युनिकेशन होने के लिए एक सेंडर और एक रिसीवर का होना बहुत जरूरी है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन के मेजर एलिमेंट है गिविंग एंड रिसीविंग, आप दो और आप लो, ये दोनों एलिमेंट्स है। यानी इट्स अ टू वे एक्सचेंज। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं कौन हूँ? सेंडर हूँ। आप कौन है? रिसीवर है। मैं कौन हूँ? गिवर हूँ। आप कौन है? रिसीविंग एंड पे है। उल्टा भी होता है, जैसे आप चैट बॉक्स पे कुछ लिख रहे हैं तो आप सेंडर है, मैं रिसीवर बन जाती हूँ। सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, मतलब कभी सेंडर रिसीवर बन जाएगा, कभी रिसीवर सेंडर बन जाएगा। सो स्पीकिंग एंड राइटिंग आर समवन आर राइटिंग टू समवन आर एग्जांपल्स ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर एग्जांपल्स ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। यानी अगर हम बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो हम कम्युनिकेशन दे रहे हैं, आई एम गिविंग। और अगर हम पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो हम कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत अच्छी सी पिक्चर बनी हुई है, जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, पूछ रहा है। एक आदमी जवाब देता है आई एम गोइंग होम। यानी ये आप इस बहुत बहुत सुंदर सी का चित्र है ये, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर कौन है? ये जो लड़का है वो कह रहा है वेयर आर यू गोइंग, तो वो लड़की जवाब देती है आई एम गोइंग होम। यानी यहाँ पे कम्युनिकेशन शुरू कर रही है लड़का और जवाब दे रही है लड़की, लेकिन
अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि इस लड़की का जवाब फिर इस लड़के तक पहुंचता है. सो यानी इट इज अ टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज नेवर अ सिंगल वे डायलॉग, फिर उसका कोई फायदा नहीं. जनरली कम्युनिकेशन से हम समझते हैं स्पीकिंग स्किल्स, ओरेट, लेकिन ये सिर्फ वन थर्ड पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन है. जैसे आप लोगों ने आइसबर्ग के बारे में सुना हो, आइसबर्ग थ्योरी पढ़ा हो, इसमें क्या है कि एक आइसबर्ग का सिर्फ वन थर्ड हिस्सा ही ऊपर दिखता है, बाकी नीचे रहता है, पता ही नहीं चलता. सिमिलरली कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन जो सिर्फ उसका वन थर्ड हिस्सा है उसको बहुत तवज्जो दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. बट द अदर टू पार्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. अदर टू पार्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. व्हाट आर दे? रिटन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन दोनों को भी हम आज डिस्कस करेंगे. लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि व्हेन इट कम्स टू टीचिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड ओरल एंड गुड रिटन एंड गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल. अदरवाइज यू विल समवेयर लैग इन बिकमिंग अ गुड टीचर. सो ओरल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? प्रेजेंटेशन, ऑडियंस अवेयरनेस, क्रिटिकल लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज. रिटन में क्या क्या आता है? कोई भी रिटन वर्क, जो भी रिटन वर्क आप करते हैं. एंड नॉन वर्बल मतलब क्या होता है कि अगर हम अपने बॉडी लैंग्वेज से अगले को कुछ बताना चाहते हैं तो उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं फ्रेंड्स. इसके पहले हम जानेंगे व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज कम्युनिकेशन सो इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन सबसे पहला आप कम्युनिकेशन का काम है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल डेवलपमेंट. जैसे मान लीजिए सिर्फ हम क्या क्लास लेने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, कोई बच्चा बहुत दुखी है, कोई जिंदगी से बेजार हो चुका है, कोई दुख से बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसके मोरल को डेवलप करने के लिए जैसे हम स्टोरी टेलिंग करते हैं क्लासेस में, दिस इज ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन. इट हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग. यानी अगर आपका कम्युनिकेशन चैनल बहुत क्लियर रहेगा तो होगा ये कि आपके स्कूल के सारे जो भी सिस्टम्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे, आपके घर का सिस्टम अच्छे से काम करेगा, आपके ऑफिस का सिस्टम अच्छे से काम करेगा, इवन आपका सिस्टम अच्छे से काम करेगा. जब आपको पता होगा कि भैया ये सारे चैनल जितने भी हैं मेरे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें, ये तभी पॉसिबल है जब कम्युनिकेशन क्लियर है. प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड पीस. मान लो आप रोज स्कूल जाते हो, आपको पता ही नहीं आपको जाकर करना क्या है, तो क्या होगा? रोज क्यों होगा? रोज आप वेट करेंगे किसी किसी बॉस का कि वो हमें बताएंगे कि हमें करना क्या है, फिर आप उस काम को करेंगे. कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता नहीं कैसे करना है, तो आप कुछ गलत कर देंगे, फिर आपको दो बात हो सकता है सुनना पड़े, हो सकता है एक मेमो आ जाए, हो सकता है एक ऑब्जर्वेशन आ जाए, तो आप कहेंगे अरे यार क्या है ये, कम्युनिकेशन होता ही नहीं है और हमें सिर्फ ये चीजें मिल जाती है. नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का बेसिस. नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर डिसीशन मेकिंग. आपने किसी की कोई बात सुन ली, वो गलत है या सही आपको नहीं पता, और आपने क्या किया, एक डिसीशन ले लिया, तो ये गलत है. कम्युनिकेशन, सही कम्युनिकेशन आपको सही डिसीशंस लेने में आपकी मदद कर सकता है. इट इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी. यानी अगर हम कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी. हम ज्यादा टाइम सिर्फ बोलने में, सिर्फ दिखने में नहीं व्यतीत करेंगे, हम ज्यादा टाइम अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके काम कर सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप. यानी अगर आप कम्युनिकेटर हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो या बॉडी लैंग्वेज हो, आप अच्छे लीडर बने. रिमेंबर व्हेन वी से लीडर इन द स्कूल सिस्टम, वी नेवर मीन द प्रिंसिपल, वी मीन एवरी टीचर हु इज अ लीडर. एवरी टीचर इज अ लीडर इन द स्कूल सिस्टम एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने क्लास के लीडर हैं, आपके क्लास में 40 बच्चों में से कोई चार बच्चा लीडर है, उन 40 बच्चों में से ये चार बच्चे किसी और चीज के लीडर है, दूसरा किसी और चीज का लीडर है. एवरीबॉडी इज अ लीडर. जब आप, अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो अपने घर के लीडर हैं. तो यू हैव टू रिमेम्बर कि आप किसी भी पोस्ट पे हैं, अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो वहां अच्छा काम कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज गुड कम्युनिकेशन? अच्छे कम्युनिकेशन का मतलब क्या? गुड कम्युनिकेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. अंडरस्टैंड करने के बाद क्या होगा, आप उस काम को अच्छे से करेंगे. यानी अक्वायरिंग न्यू स्किल्स. अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट दे सकते हैं, कमांड भी कर सकते हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन पास इंफॉर्मेशन.
विद ईज, आसानी से। यानी अगर हम एक अच्छे कम्युनिकेशन करेंगे तो हम अपना इंफॉर्मेशन तो पास करेंगे ही, रिक्वेस्ट भी पास कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दे सकते हैं, न्यू स्किल्स पा सकते हैं। ये सारी गुड कम्युनिकेशन की निशानी है। व्हाई इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन? क्योंकि आप सुनते होंगे ना बहुत समय न्यूज में भी, शांति वार्ता हुई दो देशों के बीच में, शांति वार्ता टूट गई, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। कभी कभी होता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकला, कभी कभी होता है ना कि हम दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो टीचर कहता है कम ऑन यू ऑल्सो कम, यू ऑल्सो कम, दोनों हैंडशेक कर लो, दोनों बताओ क्या प्रॉब्लम है, दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश, आप ये कोशिश करें कि भैया बातचीत से, कम्युनिकेशन से इस मसला का सुलह हो जाए, एक कोशिश कर रहे हैं ना। सो ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो जितने भी पार्टीज आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं सब हैप्पी फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे और अकम्प्लिश फील करेंगे, हमें कुछ मिला। और अगर आप एक पुअर कम्युनिकेटर हैं, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, रॉन्ग मैसेजेस जाएंगे, रॉन्ग सिग्नल्स जाएंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन गैप। कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप हो गया मैम, कम्युनिकेशन गैप हो गया सर, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन गैप? इट इज अ साइन ऑफ बैड कम्युनिकेशन, एंड व्हेन देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप मींस इट इज अ गुड कम्युनिकेशन। यानी सारे लोग खुश हैं, मेरे आसपास जितने हैं सेटिस्फाइड हैं, मैंने जो बोला उसको समझ रहे हैं, वो अच्छा फील कर रहे हैं कि भैया इस सेशन का कोई फायदा हुआ, मिताली मैम ने अच्छे से समझाया, यानी गुड कम्युनिकेशन। ये सेशन बकवास था, कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ, यानी बैड कम्युनिकेशन। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? नंबर वन, ट्रस्ट। अब जैसे मान लो मैं आज लेट आई, लेकिन आप लोगों ने मेरा इंतजार किया। क्यों आपने इंतजार किया? क्योंकि आपको पता था कि मिताली मैम ने जब कमिट किया कि आज सेशन लेंगी तो लेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो किसी भी तरह से सेशन को इग्नोर कर दे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो दिस इज द ट्रस्ट, जिस वजह से आप लोगों ने 15 मिनट मेरा इंतजार किया। रिस्पेक्ट, यानी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने सबसे पहले क्या किया, आपको सॉरी कहा, सो दैट मैं आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ू और मैं ये शो करूं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आपने मेरा इंतजार किया इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपको रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए आपका धन्यवाद कर रही हूँ। तो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, आपने भी समझा कि हाँ मैम को आज कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी इसलिए मैम लेट हो गई। आपने समझा किसी ने मुझे चैट बॉक्स में गालियां नहीं दी, किसी ने ये नहीं कहा कि मैम यू डोंट हैव, यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, यू डोंट हैव वैल्यू ऑफ टाइम, किसी ने नहीं बोला ये बात, क्योंकि उन्होंने समझा मेरी बात। एम्पथी, एम्पथी का मतलब है कि जब आप दूसरे के तरह सोचे, पुट योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज। यानी मान लीजिए कि आप कह सकते थे अरे यार क्या मैम बिगड़ती है, ऐसा क्या हो गया, जान था तो मैम वहीं से सेशन शुरू कर देती, अपना मॉडेम रखती, वाईफाई कनेक्शन लेके चलती। लेकिन किसी ने, कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा नहीं ट्रैफिक जाम पे किसका कंट्रोल है, मैम ने तो सोचा होगा कि मैम टाइमली घर पहुंच जाएंगे, वहां से सेशन लेंगी, लेकिन उनके साथ ये हो जाएगा ये कि तुमको नहीं पता था किसने वो लेट हो गए। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। यानी आप मेरी जगह पर रहकर मेरी तरह सोच रहे हैं। मान लीजिए आपसे कोई भिखारी भीख मांग, आप लोग क्या करते हैं 5-10 रुपए दे देते हैं और आप सोचते हैं मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं अरे यार इस उसको बहुत भूख लगी होगी इस वक्त, तो जब भूख लगती बहुत जोरों से तो आप कैसा फील करते हो, वो फीलिंग आपके अंदर आई होगी और आपने सोचा नहीं नहीं इसको एक एक भर पेट एक थाली खाना दे देते हैं। फिर हो सकता है आप कहीं गए होंगे, थाली ऑर्डर किया होगा, उसको दे दिया होगा कि चलो आप पेट भर के खा लो, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि 5-10 रुपए से क्या खाएगा, इसकी भूख कैसे शांत होगी, इसको कितनी भूख लगी होगी, ही मस्ट बी वांटिंग टू ईट। इसे कहते हैं एम्पैथी। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन, यानी कम्युनिकेशन करके और लड़ाई को बढ़ाइए मत। ऐसा नहीं कि आप कम्युनिकेट करने जाएं और लड़ाई बढ़ जाए, जैसे होता है ना मीटिंग्स वगैरह में बहुत समय आप जाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लेकिन और एग्रवेट हो जाए, तो दैट इज नॉट गुड कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि उसमें ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एम्पैथी हो, रेजोल्यूशन हो, ताकि हम एक सोल्यूशन की तरफ बढ़े, ना कि हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इन शॉर्ट कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू इन्फॉर्म पीपल,
influence people and express your feelings. So please remember, आप सिर्फ information देने के लिए communication नहीं कर रहे. जैसे मैं यहाँ आकर आपको बहुत सारा information दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं जिस तरीके से आपको बातों को पहुंचाऊं वो आपको अच्छी लगे. यानी आई एम ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू और एक्सप्रेस माई फीलिंग्स. जैसे मैंने आपको कहा भाई सॉरी, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ अ फीलिंग. सो प्लीज रिमेंबर, वी कम्युनिकेट विद पीपल नॉट ओनली टू इन्फॉर्म देम अबाउट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, यू शुड ऑल्सो कम्युनिकेट इन एन इन्फ्लुएंसिंग वे. यानी जैसे स्ट्रेसेस होते हैं, पॉज होते हैं, वॉल्यूम होता है, इंटोनेशन होता है, पिच होता है, हाई होता है, लो होता है, आपके हैंड एक्सप्रेशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, आपके बॉडी पार्ट मूवमेंट्स है, ये सब किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं. और आप हमेशा कम्युनिकेट करते हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने. जब आप किसी को कहते हैं लव यू, आप किसी को कहते हैं कम ऑन आई हेट यू, हर चीज की एक फीलिंग है और आप कम्युनिकेट करेंगे उसी फीलिंग के साथ, तो वो कम्युनिकेशन अच्छी होती है. अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन, विच इज नोन एज पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन. यानी मान लीजिए आप लोग के सामने एक बहुत ही फटे हाल स्थिति में, फटे पुराने गंदे, बहुत गंदे कपड़े पहनकर कोई खड़ा है, बाल बड़े बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी है, सफाई नहीं है, पैर में फटा हुआ जूता है. अगर एक ऐसा इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आप क्या सोचेंगे? फटाफट बताइए मुझे चैट बॉक्स पे, आप क्या सोचे उसको देखकर? एक फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ, बहुत फटा, बहुत फटे हाल स्थिति में, लंबी दाढ़ी, गंदे बाल, बड़े बड़े नाखून, गंदे कपड़ों में एक इंसान आपके सामने खड़ा है, आप उसके बारे में क्या सोचे? फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में क्या आएगा उस इंसान के बारे में? एनीवन इन द चैट बॉक्स? Anyone? Are you not with me? Have you left the session? Very good, very good. Praveen ji, आपके दिमाग में सबसे पहली बात आएगी वो beggar है, bad situation में है, right? In a bad situation, Rajiv sir, absolutely correct. और कुछ? He needs help. Very good, very good. He needs help. बैड इकोनॉमिकल कंडीशन, वंडरफुल. यानी आप में से ऐसा कोई नहीं है जो ये सोचता है कि भैया वो मुझे हेल्प कर सकता है, ऐसा कोई नहीं सोचता. आप में से सारे लोग यही सोच रहे हो कि ऑलरेडी इसको हेल्प की जरूरत है, वो नीडी है, वो पुअर है, उसे कुछ चाहिए, उसे कुछ चाहिए, वो मुझे कुछ नहीं दे सकता. लेकिन इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन कि वही फटा पुराने हाल में जो इंसान है वो एक छोटा सा गंदा सा गठरी टाइप का निकालता है अपने कमर में से और उसमें से कुछ सोने के सिक्के निकल और वो आपको दे दे कि भैया देखो तुमने मेरी जिंदगी में एक मुझे बहुत बड़ा हेल्प किया था 10 साल पहले, इसके बदले मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का देता हूं. ऐसा लगेगा आपको? हाउ विल यू फील? इनडीड यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील ब्लेस्ड. और सबसे बड़ी बात है आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यार ये इंसान सोने के सिक्के दे रहा है मुझे, हाउ इज इट पॉसिबल. इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव. यानी हमारे दिमाग पे ऑलरेडी एक आइडिया होता है. जैसे किसी इंसान को फटे बदहाल स्थिति में देखा, मान लेते हैं बिगर है. हमने किसी दुबले पतले इंसान को देखा, बहुत दुबला पतला, मान लेते हैं खाना नहीं खाता ठीक से. हमने किसी को भी अपने माइंड के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से हम लोगों का मूल्यांकन करते हैं. जैसे आपने बहुत समय एड्स में भी देखा होगा ना, खूब अच्छा सूट बूट पहनकर हम किसी होटल में जाए तो आपको लगेगा वो आपको एंट्री दे देगा. अगर वही इंसान फटे कपड़े पहनकर जाएगा तो कहेगा सॉरी सर, आपके लिए जगह नहीं है. यानी हमारे कपड़े बहुत कुछ डिसाइड करते हैं. सिर्फ कपड़े ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन कहा जाता है, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कहा जाता है. वो हमारा फिक्स्ड माइंडसेट है जो हमें आगे नहीं जाने देता है, आगे बढ़कर सोचने का मौका नहीं देता है, एक दीवार खड़ा कर देता है कि नहीं इसका मतलब यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता. तो जब भी आप किसी को सुने या कोई आपको सुने या आप कुछ लिखे या कोई आपको लिखे तो इन पर्सपेक्टिव्स को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए. कम से कम पर्सपेक्टिव्स होंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं बिना किसी माइंडसेट के, बिना किसी प्री आइडिया के, बिना किसी प्रेजुडिस के. ऐसे कौन सी पर्सपेक्टिव्स है? पहला पर्सपेक्टिव है लैंग्वेज. पहला पर्सपेक्टिव है लैंग्वेज, यानी हम
हमेशा ये समझते हैं, मान लीजिए मैं यूएस चली जाऊं और मैं वहां जाकर सोचू अरे यार ये तो यूएस वाले लोग हैं, इनके तो इंग्लिश कुछ अलग सी होगी, ये मेरी जैसी इंग्लिश नहीं होगी इनकी, कैसे मैं इंडियन वाले इंग्लिश में कैसे इनसे बात करूं। या हो सकता कोई ऐसा भी बंदा हो जिसकी इंग्लिश बहुत कमजोर हो, वो सोचे कि मैं तो बात ही नहीं करूं यूएस जाकर क्योंकि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा। और अगर किया भी उसने कम्युनिकेट, तो वो इतना मतलब उसको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं हो कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। हमेशा याद रखिए, लैंग्वेज इज नॉट ऑलवेज अ बैरियर, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, दैट इज व्हाई वी से बॉडी लैंग्वेज इज अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। विजुअल परसेप्शन, जैसे मैंने आपको भी बताया, एक गरीब इंसान को देखकर, फटा पुराने हाल में इंसान को देखकर आपको यही लगेगा कि वो गरीब है, विजुअल परसेप्शन। एक बहुत मोटे इंसान को देखकर आप यही कहेंगे यार ये बहुत खाता होगा, जरूर बहुत खाता होगा, ये विजुअल परसेप्शन है। पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे मान लो आपकी किसी के साथ 10 साल पहले लड़ाई हुई, 10 साल के बाद भी अगर आप उस इंसान को कहीं भी मिल लेंगे तो आप अपना मुंह घुमा लेंगे या आप अपना रास्ता बदल देंगे, ये सोचकर बाप रे 10 साल पहले से लड़ाई हुई थी, ये कहाँ से मिल गया मुझे, मुझे फिर ये देखेगा तो कुछ ना कुछ कहेगा, आई डोंट हैव हैप्पी एक्सपीरियंसेस विद दैट पर्सन, सो आई बेटर नॉट मीट। हो सकता है 10 साल में उसका मन और आपका मन बहुत बदल गया हो, आप एक दूसरे के दोस्त होना चाहोगे, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते। नेक्स्ट इज प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब क्या? फिक्स धारणा है। जैसे मान लो बहुत लोगों के बीच होता है, वो दो लोग बात कर रहे हैं यानी मेरी शिकायत ही कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना, यानी आपके मन में एक धारणा है, नो वन लाइक्स मी इन द क्लास, फॉर एग्जाम्पल इन द स्कूल, प्रिंसिपल मैम डजंट लाइक मी, दीज आर योर प्रेजुडिसेस। नेक्स्ट फीलिंग्स। मान लीजिए आज मेरे सर में दर्द है, मुझे आज बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं जो सेशन लूंगी उसमें मेरा सर का दर्द झलक जाएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को कि आज मैम अच्छी नहीं है, आज मैम फुल नहीं है, आज मैम 100% नहीं है। हमारी फीलिंग्स भी कभी कभी हमारे लिए पर्सपेक्टिव्स बैरियर्स बन जाए। एनवायरमेंट, जैसे मान लीजिए मैं आपसे यहाँ क्लास ले रही हूँ, अगर वहां बगल से बहुत जोर से आवाज आने लगी तो वो मुझे डिस्टर्ब करेगा, मैं अच्छे से सेशन नहीं ले पाऊंगी, मुझे प्रॉब्लम होगी, इट कैन बी अ बैरियर। पर्सनल फैक्टर्स, जैसे मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं आज ट्रैफिक में अटक गई, ये पर्सनल चीजें हैं जो जो कम्युनिकेशन में बैरियर डालती। कल्चरल साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी दूसरी जगह में जाए जहां का कल्चर अलग हो, जहाँ की रीति रिवाज अलग, आप हमेशा डरे डरे से रहेंगे, भाई मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि जो इन लोगों के कल्चर में कुछ गलत साबित हो जाए, मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि मुझे डांट पड़ जाए, मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि मुझे प्रॉब्लम हो जाए। जैसे नए नए बच्चे स्कूल में आते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिन वो कितने डरे डरे रहते हैं क्योंकि कल्चर अलग है, स्पेस अलग है, अगेन माय पॉइंट। सो ये सारी चीजें हैं क्या, ये सारी चीजें हमें फ्री कम्युनिकेशन करने में बाधाएं डालती हैं। तो आप जब भी अगली बार किसी इंसान को देखो तो उसको जज मत कर लेना, वेट 100% कंफर्म होने के बाद ही जज कर। आप किसी इंसान को देखो जिसके साथ आपकी 10 साल पहले लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई को आज खत्म कर दे, करने का दिन है, उसको आगे मत बढ़ा के ले जाओ। आप अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेशन पे हावी मत होने दीजिए, आपकी फीलिंग्स आपकी है, वेरी पर्सनल है। एनवायरमेंट हो सकता है आपके फेवर में नहीं हो लेकिन वो आपके कम्युनिकेशन में बाधक नहीं होना चाहिए। पर्सनल फैक्टर्स, कल्चरल साइंस, लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपके कम्युनिकेशन के बाधक नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना। यानी दीज आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर मतलब रुकावट, बाधा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बाधा है। ये बाधाएं कैसी होती हैं? जनरली बैरियर्स इन्वॉल्विंग लैंग्वेज, बैरियर्स इन्वॉल्विंग पीपल्स बैकग्राउंड एंड फिजिकल बैरियर्स। जैसे लैंग्वेज मतलब मैं उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं उस लैंग्वेज में नहीं बात कर सकती। पीपल्स बैकग्राउंड, जैसे मान लो कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, मैं सरकारी स्कूल में जाकर नहीं भाषण दे सकती, भैया वो एनवायरमेंट मुझे नहीं जचता, यानी किसी के बैकग्राउंड से मुझे प्रॉब्लम होती है। और तीसरा फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स मतलब मैं यहाँ हूँ आप वहाँ हैं, हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे, वो एक बैरियर हो सकता है। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस कुछ हद तक हमारे लिए बैरियर है, जब हम एक दूसरे से मिलकर सेशन लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा अच्छा। समझ रहे हैं आप बात को? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि बेसिकली ये तीन तरह के बैरियर्स होती हैं, और अगर आप वाकई एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपको इन बैरियर्स को ओवरकम करना। नेक्स्ट, और भी कुछ बैरियर्स हैं फिर उनको देखेंगे। डिससेटिस्फेक्शन और डिसइंटरेस्ट, जैसे आप क्लास में जा रहे हैं पढ़ाने, लेकिन आप जो पढ़ा सकते हो आप नहीं पढ़ा रहे हो, आप 100% नहीं दे पा रहे हो, व्हाट इज द रीजन? आप सेटिस्फाइड ही नहीं, आप इंटरेस्टेड ही नहीं। अरे प्रिंसिपल मैम तो मुझे हमेशा डांटती रहती है, कितना भी अच्छा क्लास हो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा जॉब खोज रहे हैं, जितनी जल्दी मिल जाए मैं यहाँ से छोड़कर भाग जाऊँ। आप कभी एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो पाएगा इन दैट केस। इनएबिलिटी टू लिसन टू अदर्स, अगर आप मुझसे पूछे नंबर वन यही है, नंबर वन एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा बोलने वाला वही होता है जो एक अच्छा सुनने वाला। inability to listen, be a good listener. If you actually want to speak well, be a good listener. Lack of transparency and trust. हम कभी कभी कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, लेकिन हम जो असली मुद्दे की बात होती है तो छुपा देते हैं। ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है, being the principal, I face this problem a lot. कभी कोई किसी का कंप्लेन करने आया लेकिन वो अपनी गलती नहीं बताता है, होता है ना आपके साथ, as teachers भी होता होगा। So whenever you are communicating with somebody, please ensure that you maintain transparency and trust. Communication styles. कोई इतना जोर से बोलता है, कोई बहुत धीरे बोलता है, कोई बहुत हाथ पैर हिला हिला कर बात करता है, कोई बिल्कुल ऐसे बात करता है। Styles are different. So they could also be barriers. किसी बच्चे को किसी टीचर को स्टाइल नहीं पसंद है। Conflicts in the workplace. अगर आप अपने वर्क प्लेस में लड़ते रहोगे दूसरे से, वो भी कम्युनिकेशन का बैरियर हो जाएगा। धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब आप बात ही नहीं करना चाहो। Am I right? So this should not happen in a workplace. You should not fight with anyone. Cultural differences in language. ये बहुत बड़ी बात है टीचर्स को, प्लीज समझे। आप क्लासरूम में बहुत अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, क्योंकि हम टीचर्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि जो बच्चा जवाब नहीं देता है या जो बच्चा हाथ नहीं उठाता, इसका मतलब ये नहीं कि द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टूड। द रीजन मे बी द चाइल्ड इज हेजिटेंट। The child does not want to tell you that I have not understood because of the language barrier, cultural barrier, new place, prejudice, so many things. So being a teacher, you have to be an excellent communicator जो बच्चों के अंदर से बातों को खोज खोज के निकाल सके और काम कर सके, ठीक है? Next, characteristics of effective communication. अगर आप वाकई एक अच्छे communicator बनना चाहते हैं, आपके अंदर ये 7 characteristics होनी चाहिए। These are the 7 characteristics. Number one, क्लियर मैसेज। जैसे मान लीजिए मेरे स्कूल में करेक्ट प्रोग्राम, मैं मैसेज दूं टुमारो दिस इज देयर इज दिस प्रोग्राम इन द स्कूल, बस लोग पूछेंगे ना कब है, कहाँ है, कितने बजे है, कब तक चलेगा, मुझे क्या करना है। तो ये मैसेज जो है वो क्लियर नहीं, एम्बिग्यूटी है इस मैसेज। So, जब भी आप, जैसे मैं अभी आपको कुछ बता रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो मैं जो भी कहूंगी वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मेरी आधी बातें समझ में ही नहीं आए तो आप कैसे सेशन अटेंड करोगे, कैसे कुछ सीखोगे? सो व्हेनेवर यू पुट अक्रॉस अ मैसेज, व्हेदर इट्स ओरल और इट्स रिटन, इट शुड बी क्लियर, करेक्ट। डोंट गिव रॉन्ग मैसेजेस। इफ यू आर नॉट 100% श्योर, डोंट पास इट ऑन, कीप इट टू योरसेल्फ। जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाए, उस मैसेज को अपने तक रखना है, पास नहीं करना। कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, कंप्लीट यानी उस मैसेज में कुछ भी काट छांट नहीं करिए। जैसे मिला वैसे दीजिए। आपने गेम का नाम सुना होगा चाइनीज विस्पर। हम आपके कान में कुछ कहते हैं, फिर आप उसके कान में कहते हैं, फिर आप उसके कान में कहते हैं, फाइनली जो बात पहुंचती है लास्ट आदमी तक, तो पता चलता है बात कुछ और थी, हो गई कुछ और। तो ऑलवेज गिव कंप्लीट प्रिसाइज मैसेज। प्रिसाइज मैसेज मतलब, जैसे मान लीजिए मुझे आपको बताना है कि कल स्कूल बंद है, तो आपसे कहूँ देखिए ना हम लोग बहुत काम कर रहे हैं बहुत दिन से, तो हमारे टीचर्स ना बहुत थक गए हैं, स्टाफ मेंबर्स भी बहुत थक गया है, कुछ दिन से तो बहुत लेट नाइट चल रहा है, भाई एग्जाम्स चल रहे थे तो क्वेश्चन पेपर निकालना था। अब प्रिंसिपल विल से बोलना क्या है ये बताओ, मैम आई नीड वन डेज लीव। बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं, वो इतनी सारी बातें करने के बाद कहते हैं जो बात मुद्दे की बात, ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यस अभिजीत जी एब्सोल्युटली करेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बी टू द पॉइंट, टू द पॉइंट इज गुड, रिलायबल मैसेज होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको दुनिया भर के आलतू फालतू मैसेजेस देंगे, जिनकी
जिनकी रिलायबिलिटी चेक उन्होंने खुद ही नहीं की है। जैसे मान लीजिए हमारे हमने सबने एक बचपन में कहानी पढ़ी है, कौआ कान लेकर चला गया। तो भैया कान कहाँ है पहले वो चेक कर लो, आप कौए के पीछे दौड़ा रहे हो, खुद भी दौड़ रहे हो दूसरे को भी दौड़ा रहे, प्रॉब्लम हो रही है। कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट। जैसे इस वक्त मैं किससे बात कर रही हूँ, टीचर से बात कर रही हूँ, तो मैं ये सोचकर बात कर रही हूँ। अगर इसी सेशन को मुझे बच्चों के बीच में करना होगा तो डेफिनेटली मेरा कंटेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। ऑलवेज अंडरस्टैंड विद हूम आर यू कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट इज सेंडर्स कर्स। जैसे मान लो जैसे मैंने आपसे सॉरी कहा शुरू में, तो आप लोग कुछ लोग गुस्से में भी होंगे तो आपका दिल पिघल गया होगा, कह रहे मैम ने सॉरी बोल दिया, चलो हटा कोई बात नहीं, आज मैम लेट हो गई। तो कर्टसी, बी पोलाइट, बी कर्टियस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दिस वंस, क्लियर मैसेज, करेक्ट मैसेज, कंप्लीट मैसेज, प्रिसाइज मैसेज, रिलायबल मैसेज, कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट एंड सेंडर्स, कर्टसी। So these are the 5, 7 C's of communication. ये सातों C आप देख लीजिए, clear, concise, concrete, correct, coherent, complete and courteous. Okay? Next, how to improve your communication skills? Dear teachers, आप टीचर हैं, बहुत knowledgeable हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है आपके पास, लेकिन अगर कम्युनिकेशन में ये चीजें एड कर देंगे तो आपकी डिग्रीज तो नहीं बढ़ पाएंगी लेकिन आप एक बहुत अच्छे टीचर हो जाएंगे। Have a sense of humor. पढ़ाते पढ़ाते क्लास में कभी कोई जोक्स भी क्रैक करो, कभी उस पढ़ाई को ही थोड़ा ह्यूमर के साथ ऐड करो, बिकॉज एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड वांट्स टू लाफ, हु वांट्स टू क्राई, ऑल ऑफ अस वांट टू लाफ, सो दैट इनपुट शुड बी देयर इन द क्लासरूम। बी ऑनेस्ट, लाइक इफ यू डोंट नो एन आंसर प्लीज से बेटा आई एम नॉट अवेयर ऑफ द आंसर राइट नाउ बट आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू टुमारो ऑन दिस। डोंट बूट बीट अराउंड द बुश, चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इम्प्रूव एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। There are many teachers who will just snob children who want to say something. You keep quiet. Don't talk so much. Listen to them also, what they have to say. Appropriate use of language. Tum bevkoof ho, tum gadhe ho, tum bandar ho, ye sab nahi chalega. What language you are using in the school, this class, in the school is very, very, very important. Accept feedback. Please accept. Main hamesha apne teachers ko kehti hu, teachers, PTM mein ya kabhi bhi koi parent kuch bhi kahe, aap likh lo zarur. ताकि पेरेंट को ऐसा लगे कि मेरे टीचर ने मेरी बात सुनी। हो सकता है एक ऐसा कंप्लेन हो जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते या आप नहीं करेंगे, फिर भी लिख लीजिए, एक्सेप्ट इट एंड नेवर से नो। मान लो कोई टीचर कह, कोई पेरेंट आपसे कह रहा है, कोई बच्चा आपसे कह रहा है आप बहुत घटिया पढ़ाते हो, आप क्या पढ़ाते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ, एक्सेप्ट इट, से ओके हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ, टेल मी, गिव मी टू पॉइंट्स हाउ आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And always remember, always ask open-ended question. जैसे तुम्हारे पापा का नाम क्या है, obviously एक ही answer है। तुम्हारा नाम क्या है, चलो दो answers हो सकते हैं, एक मेरा नाम, एक घर का नाम। लेकिन open-ended question मतलब तुम्हारे पापा जहाँ काम करते थे उस कंपनी के बारे में कुछ बताओ। अब इसमें बहुत सारी चीजें बच्चा बता सकता है, so always try open-ended questions, okay? Next, some more ideas to improve. Listen well. जैसे मैंने आपको कहा, to be a good communicator, you have to first listen. Be to the point. Know your listener. Assertive and active voice. यानी आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, लोगों को लगे कि हाँ लगता है कुछ आज अच्छा सुनने वाले हैं हम लोग। Body language. और अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो प्रूफ रीड करके भेजिए। कभी कभी सर्कुलर्स, वर्कशीट्स, आंसर्स गलत होते हैं, फिर पेरेंट कंप्लेन लेकर आते हैं, फिर आपको प्रिंसिपल के रूम में जाना। Always proofread and do your work. Take notes. Whenever you're listening to somebody, take notes. Because it is human nature that when we listen, we forget after some time. So please take notes to show that I'm interested, I'm listening to what you're saying. Watch your tones. Upar ja rahe, niche aa rahe, kaisa ho raha hai. Apne tonal quality pe dhyan dijiye taki agle ko sunne mein acha lage. Be present. Dekhiye jaise aap log hain, main kabhi kabhi kehti hu, bhai chat box mein likho answer, to aap likhte hain na. To mujhe kya lagta hai, nahi, log hain mere saath. ऐसा नहीं कि ऑन करके कंप्यूटर कहीं चले गए। फोकस ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन वो टॉपिक से डिविएट होकर बात करते हैं तो लोग उनको सुनना नहीं पसंद करते। सो ऑलवेज बी फोकस्ड कि आपको क्या बोलना है, प्रिपेयर करके जाइए। इवन फॉर स्टाफ मीटिंग्स, एनी काइंड ऑफ फंक्शंस, इवेंट्स, प्लीज प्रिपेयर व्हाट यू नीड टू स्पीक। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब हम ध्यान से आपकी बात को सुन रहे हैं। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, भाई आपकी बात सुन रहे हैं तो कुछ सर हिलाइए, थोड़ा सा लिखिए, नोट्स लीजिए,
एंड ऑलवेज कीप लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अ गुड कम्युनिकेटर ऑलवेज कीप्स लर्न. अब हम थोड़ी सी बात कर लें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस. यानी फेशियल एक्सप्रेशंस आर अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आप कह रहे हो आई लव यू और आप कहेंगे आई लव यू ऐसे मुंह बनाकर, नहीं चलेगा. लोग समझ जाएंगे या तो मुंह झूठा है या तो एक्सप्रेशन झूठे हैं, जिसमें दोनों में से कोई एक बात तो झूठी है. सो ऑलवेज रिमेंबर whatever you are speaking, whatever you are discussing, whatever you are communicating, are your body language should also speak of the same thing. Your facial expression should speak of the same. So non-verbal communication mein kya kya cheeze aati hain? Number one, facial expression. Number two, body movement, posture. Aap kaise khade hain, aap kaise baithe hain, aapke gestures. Yes, please stand up. Okay, sit down. Hey, sit down. Get out of my class. Gestures are not good. Eye contact. जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो प्लीज आई कॉन्टेक्ट क्लासरूम में मेंटेन करिए. ये नहीं कि आप किसी एक ही बच्चे को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं चालीस से, ऐसा मत करिए. टच बट बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आर टचिंग अ चाइल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो गुड टच, बैड टच, दीस डेज दीस थिंग्स आर वेरी वेरी कॉमन. सो प्लीज रिमेंबर दैट यू मस्ट, यू नो समटाइम्स अ स्मॉल टच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. गिव स्पेस, ये बहुत लोग नहीं समझते, बहुत सारे टीचर्स नहीं समझते. वो बच्चे के इतने पास जाकर बात करना शुरू कर देते हैं कि द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग अनकंफर्टेबल. जब आप इन्विजिलेशन कर रहे हो एग्जाम में तो भी आप इतने पास जाकर खड़े हो जाते हैं, चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग अनकंफर्टेबल. सो एक बच्चे का एक स्पेस होता है, उस स्पेस को कभी इंटरफेयर मत कीजिए, उसमें इंटरवीन मत कीजिए, वहीं तक रहिए जो आपका स्पेस हो. हाँ, जब आप राउंड लगा रहे हो दैट्स अ डिफरेंट इशू. वॉइस, आपकी आवाज, आपका सबसे पहला तो आप कितनी जोर से बोल रहे हैं, आप कितने धीरे बोल रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है. आपके इंटोनेशन इंपॉर्टेंट है, आपके पॉजेस इंपॉर्टेंट है, आपके पिचेस, पिच इंपॉर्टेंट है. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा इनकंसिस्टेंसीज को भी ध्यान देता है. जैसे मान लो अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे फोन पर, अचानक मेरा वाईफाई कनेक्शन गायब हो जाए तो मुझे सोच कर रखना होगा कि मैं क्या करूंगी. वाईफाई कनेक्शन गायब हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठ कर रोने लगूंगी. एक बार मुझे याद है व्हेन आई वाज इन कॉलेज ईयर, मैं डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया मैंने. तो जब मैंने उस डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मैं स्टेज पे थी, मैं बोल रही थी, अचानक वहां पोडियम के ऊपर पानी का एक ग्लास रखा हुआ था, वो गिर गया, ग्लास टूट गया. लेकिन उस समय भी मैंने अपना कॉमन सेंस यूज किया और मैं नहीं रुकी. ग्लास टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं, बाद में साफ हो जाएगा. आई कंटिन्यूड विद माई स्पीच. दिस इज नोन एज पे अटेंशन टू इनकंसिस्टेंसीज, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन. How to improve your non-verbal cooperation, communication? Maintain eye contact. Nod your head to convey that you agree. Smile and show interest. Lean forward to show the speaker your interest. Practice these. बहुत समय आप टीचर हैं, आपको बहुत समय फील हुआ होगा, आपने अपने क्लास में कुछ पढ़ाया, कुछ बोला, बच्चों से कुछ have you understood? कोई जवाब नहीं आएगा उधर से. तब कहेंगे have you understood? Yes ma'am, yes sir, एक दो जवाब आएगा. आप कितने दुखी हो जाते हैं. ये आप प्रैक्टिस भी करो, अपने बच्चों को भी समझाइए. दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आई कॉन्टैक्ट, नॉडिंग योर हेड, स्माइलिंग एंड शोइंग इंटरेस्ट, लीनिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्पीकर. नाउ एक आपको चीज बताती हूँ जो आपको एक अच्छे कम्युनिकेटर से एक पल में एक बहुत ही खराब कम्युनिकेटर बना सकता है, बैड कम्युनिकेटर जिसको कहते हैं. अगर आप एक बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेटर भी हैं, अगर ये चीज आपने अपने कम्युनिकेशन में डाल ली तो आप तुरंत एक बैड कम्युनिकेटर हो जाइए. वो क्या है? और वो है गेटिंग वर्से. जैसे मान लीजिए आपके क्लास में एक बच्चा है जो हमेशा फेल करता है, हर एग्जाम में फेल करता है, तो आप उस बच्चे को गधा मत कहिए, प्लीज इडियट मत कहिए. आप उसके काम से दुखी हैं, उसके रिजल्ट से दुखी हैं, उससे नहीं दुखी है. मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो हमेशा लेट आता है, तो आप उसको कोई निकनेम मत दे दीजिए, प्लीज लेटू राम, वट एवर समथिंग लाइक दिस. हमेशा याद रखिए कि उसके लेट आने से आपको प्रॉब्लम, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑलवेज रिमेंबर द वर्ल्ड इज अ स्टेज एज शेक्सपियर सेड, एंड व्हेन वी ऑल आर जस्ट प्लेइंग आवर रोल्स. मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, मेरी किसी बात से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे किसी काम से आपको प्रॉब्लम हो सकती है. सो डोंट बी पर्सनल ईदर विद द स्टूडेंट्स, विद योर को वर्कर, और विद योर family members or with your relatives or with your boss. Please don't be personal. One of the biggest signs of poor communication is focusing on people rather than problem. Examples would be dismissing a co-worker as stupid or idiot. Jaise tum ek idiot ho, chalo tum jao yahan se, mat baitho, aaj se tum fire ho gaye. This is wrong. Instead of it, say beta aap pe ye kaam bilkul buddhi jaisa tha,
आप प्लीज इसको ऐसे प्रेजेंट करके दिखा सकते हो क्या मुझे? सो फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी, डोंट फोकस ऑन व्हाट इज गॉन फ्रॉम. ओके, नेक्स्ट इज हु इज अ बैड कम्युनिकेटर, जो एक ही तरफ से कम्युनिकेट करता है जैसे इस वक्त मैं कर रही हूँ, जो हमेशा कहते हैं यू आर लेट, यू आर बैड, यू आर नॉट पंक्चुअल, यू आर नॉट डूइंग दिस. नो, इंस्टेड यू कैन से कैन यू प्लीज डू दिस फॉर अस, कैन यू प्लीज कम ऑन टाइम फ्रॉम टुमारो. Who is always negative? तुम नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, नहीं वो कर सकते, नहीं वो कर सकते, यानी आप बेसिकली एक पेसिमिस्ट है. आपको एक ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ेगा अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए. डोंट बी पर्सनल. इफ यू डोंट अग्री विद समबडी, वेरी गुड. ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं अभी भी सेशन में जो मेरी बातों को 100% नहीं अग्री कर रहे हैं, वेरी गुड. प्लीज वी अग्री टू डिसअग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिपीट, वी अग्री टू डिसअग्री, यानी हम एक दूसरे की बात को डिसएग्री भी कर सकते हैं लेकिन डिसरिगार्ड नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, अपना डिसरिगार्ड नहीं शो करेंगे, अपना गुस्सा नहीं शो करेंगे. ये नहीं कहेंगे आप गलत हो, भैया आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैक्सिमम ये कर लो. दूसरा, प्लीज जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किसी भी स्टूडेंट के प्रति पैसिव मत होइए, किसी भी स्टूडेंट के प्रति आप ऐसा मत शो करिए कि मैं तो तुमको देख लूंगा क्लास के बाहर, अरे तुम तो हमेशा से ऐसे हो. मन ही मन में ऐसा फीलिंग्स मत रखिए और उसको आप सरकैज़म के तौर पर मत देखिए. बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, द टीचर सरकास्टिक हो जाते हैं. मैम, वही बच्चे आकर कहते हैं कि वो टीचर मुझे प्यार नहीं करता, वो टीचर मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, वो टीचर मुझे नहीं मानता. तो प्लीज आई होप इन चीजों को आप याद रखेंगे. एक छोटा सा समरी आपको कर देती हूँ. आज हम लोगों ने मीनिंग, एलिमेंट्स, टाइप्स, पर्सपेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स, बैरियर्स डिस्कस किए. ये डिस्कस किया आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने ये डिस्कस किया कि बैड कम्युनिकेटर्स कौन होते हैं. अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, आई एम वेरी श्योर यू विल ऑल्सो बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर इन योर लाइफ. रिमेंबर, कम्युनिकेशन इज अ की टू पर्सनल एज वेल एज करियर सक्सेस. सिर्फ करियर नहीं, मैंने बार बार इस आज के सेशन में बोला है, कोई होम मेकर भी अगर है उसके लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट्स अ की टू पर्सनल एंड करियर सक्सेस. थैंक यू सो मच. नाउ ओवर टू यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. ओवर टू यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी प्लीज. फॉर एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज कनेक्ट. Yes, dear participants, if you have any query, please put it in the chat box. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है. हेलो, मिताली मैम,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think there is no any query. I hope there is no any doubt. Thank you so much. Thank you so much, Aryabhat Sahodia, Simple ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Mitali ma'am, one thing I want to add. आई थिंक कि आपसे ज्यादा इस टॉपिक को कोई जस्टिस नहीं कर सकता. सो आप एक हम लोग जब फोटोज देख रहे थे तो कुछ लोगों ने लिखा था कि ये ग्रेट स्पीकर्स है. सो यू आर ऑल्सो अ ग्रेट स्पीकर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ आर्यभट सहोदिया. Thank you, participants also. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. And dear, yes, sir, Abhijit sir. Dear participants, I have shared the link, attendance link already. Please fill it and try to write the name correctly. Thank you, Vishnu sir. Happy Navratri to everyone. Now, participants, you can leave. If you have filled the attendance slip, you can leave. Ma'am, I am sharing the link.